अब बात करते हैं राजधानी शिमला की। आईजीएमसी में एमबीबीएस की सीट पर फर्जी दाखिला लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध में आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईजीएमसी की प्रिंसिपल सीता ठाकुर ने बताया कि आरोपी छात्र बिलासपुर जिले के घुमारवीं का रहने वाला है और उसने प्रमाण पत्र के साथ छेड़छाड़ की है। इस छात्र के खिलाफ लक्कड़ बाजार पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज की गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एमबीबीएस में प्रवेश लेकर ये छात्र आईजीएमसी में पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज प्रशासन ने अब इसे निष्कासित कर दिया है। एक्शन लिस्ट में तो हमने उसको मतलब उनके बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब चेक करके उसकी एडमिशन हो गई। एडमिशन होने के बाद वो बच्चा पढ़ने भी लगा। फिर जब हम ये सारा डाटा जो है अल्टीमेटली हम लोग अपलोड करते हैं नेशनल एनएमसी साइट पे, तो जब हमारे यहाँ ऑफिस जो एजुकेशन ब्रांच के जो हैं वो जब अपलोड करते थे तो वहाँ पे पता चला कि बच्चे का मतलब जिस नंबर पे जिस पे बच्चे ने एडमिशन ली थी वो किसी लड़की का नंबर था। और इस तरह ये मतलब उजागर हुआ कि भाई मतलब गलत एडमिशन अलग गलत नंबर दे के एडमिशन बच्चे की हुई है। फिर हमने उस टाइम ही इसको एफआईआर भी करी और बच्चे के ऊपर एक्शन भी लिया और जो यूनिवर्सिटी है अमरू यूनिवर्सिटी उसको भी इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। पिछले शाम को हमें एक शिकायत पत्र एजेंसी प्रिंसिपल एजेंसी की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें ये आरोप था कि एक छात्र द्वारा जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है, तो उसमें कार्रवाई की जाए, जिसके आधार पर हमने पिछले कल ही शाम को इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट सदर थाना शिमला में दर्ज की है। और अभी इसका अन्वेषण जो है प्रारंभिक स्तर पर है और इसका अन्वेषण किया जा रहा है और आरोपी जो छात्र है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है।